अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने गुजराती के पीरियड में काव्य 5 तू तारा दिलनो दीवो पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ ये काव्य आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके कवि का नाम है भोगीलाल गांधी और उनका उपनाम यानी तखल्लुस है उपवासी। तो आज हम तू तारा दिलनो दीवो काव्य का पार्ट 2 काव्यना प्रश्नोत्तर अने व्याकरण उसकी तरफ गौर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले एक वाक्य में जवाब आपो। कवि दिलनो दीवो कोने थवानू कहे छे? तो कवि पोतानी जातने दिलनो दीवो थवानू कहे छे। अभी क्वेश्चन आंसर जितने भी मैं आपको यहाँ करवाऊंगी व्याकरण, वो सब आपको नोट में लिख लेना है और उसी हिसाब से मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करनी है। कवि पोतानी जातने दिलनो दीवो थवानू कहे छे। कवि शू उछीनू लेवानी ना पाड़े छे? कवि उधार का क्या लेने को मना करते हैं? तो कवि पार का तेज ने छाया उछीना लेवानी ना पाड़े छे। जो हमने समझा था कि पराया तेज हो, छाया हो, मदद हो, जो भी हो, वो जो उधार है वो लेने की कवि ना कहते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कम पड़ जाते हैं, उसे वापस देने की हमें फिक्र होती है। काची माटी ना कोड़िया में शू छुपायेलू छे? तो काची माटी ना कोड़िया में तेल ने दीवेल छुपायेला छे। कल हमने देखा था कि कच्ची मिट्टी का जो कोड़िया यानी जो दिया है उसको किसके साथ यानी किसका प्रतीक बताया है? इंसान के शरीर का। तो उसमें तेल ने दीवेल छुपायेला छे। कोड़िया में नानी सी सड़ी अड़कवाथी शू प्रगट छे? तो कोड़िया में नानी सी सड़ी अड़कवाथी रंग माया प्रगट छे। आब यानी कि आकाश में कौन कौन तेज प्रगटावे छे, कौन कौन अपनी रोशनी फैलाता है आसमान में? तो आब यानी आकाश में सूरज चंद्र ने तारा तेज प्रगटावे छे। आत्मनो दीवो पेटावा शू जोईए? मतलब आत्मा का दिया जलाने के लिए क्या चाहिए? तो आत्मनो दीवो पेटावा पोतानी जात स्व जोईए, यानी खुद का वजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक वाक्य के प्रश्नोत्तर थे जो आपको याद रखने हैं और नोट में भी लिख लेने हैं। दूसरे थोड़े प्रश्न देखेंगे। आत्माना दीवा पासे कौनू तेज परायु लागे छे? तो सूर्य चंद्र अने तारा, हमारे खुद के अंदर के तेज के सामने ये सूर्य चंद्र तारे का जो रोशनी है वो पराई लगती है। दिलनो दीवो काव्य में कोड़ियू तारू काची माटी नू एटले शू? तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि मानस ना शरीर नी वात छे, मां इंसान के शरीर को जिस्म को यहाँ जो कच्ची मिट्टी का जो जो दिया है उसके साथ कंपेयर किया गया है। आ काव्य में कवि कयो संदेश आपे छे? तो पोताना दिलनो दीवो थवानू कहे छे। पारका तेज लेवा जता शू उड़ी जशे? पड़छाया। काची माटीना कोड़िया में शू शू छुपायू छे? तो तेल दीवेल छुपाया छे। आकाश में कौन तेज पाथरे छे? तो सूरज चंद्र अने तारा। कोना स्पर्श मात्र थी दीवो प्रगटी उठशे? तो नानी सी सड़ी, दीवा सड़ी यानी जो माचिस की तीली होती है उसकी बात यहाँ की गई है। कवि कोना दिलनो दीवो थवानू आपने कहे छे? तो पोतानी जातना दिलनो दीवो थवानू कवि आपने कहे छे। अब देखेंगे 2-3 वाक्यों में जवाब, जो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के आते हैं, एक वाक्य के प्रश्नोत्तर 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पारकू तेज अने छाया उछीना लेवानी कवि केम ना पाड़े छे? तो पारकू तेज अने छाया उछीना लेवानी कवि ना पाड़े छे कारण के केम के पारकू तेज कायमी नथी, ते आपने काम नथी आववानुं। आ एक रूपक छे। आ संदेश द्वारा आपने कवि उपदेश आपे छे के जो जीवन में आगळ वधवुं होय तो आत्मविश्वास रूपी आत्मशक्तिनो दीवो प्रगटावो ने तेना तेजनी मददथी आगळ वधो। यानी यहाँ अपनी मदद खुद करनी चाहिए, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए न के परावलंबी। तो कभी भी हमें निराशा नहीं होगी। अगर हम परावलंबी बनेंगे यानी दूसरों की मदद के ऊपर आधार रखेंगे तो हो सकता है कि हमें निराशा प्राप्त हो। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए और अपनी ही अंदर की शक्ति को जगा कर हमारी राह में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखेंगे। कवि आत्मानो दीवो प्रगटावानी बात केम करे छे?
तो पारकू तेज अने छाया कायमी नथी, हमेशा के लिए नहीं है, तेमज ते आपने उपयोगी नहीं, वो हमारे लिए इस्तेमाल के योग्य नहीं है। बीजा पर आधार रखना क्यारे सफलता नी राह पर आगड़ वधी सकता नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दूसरों पर डिपेंड रहने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें निराशा ही प्राप्त होती है। आपने आगड़ वधवा माटे आत्मानो दीवो प्रगटावो जो ये जेथी सफलता मड़े, जिससे हमें कामयाबी मिले खुद के दम पर। आत्मानो दीवो केवी रीते प्रगटशे, तू तारा दिलनो दीवो काव्यना आधारे जणाव। तो कवि जणावे छे के शरीर रूपी कोड़ियु काची माटीनू बनेलू छे, तेमा आत्मविश्वास ने आत्मशक्ति रूपी तेल दिवेल छुपायेला छे। मतलब हमारे पास शरीर तो है ही और इसके अंदर कई शक्तियाँ भी छुपी है, सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है। एक नानी सी सड़ी चाणक रूपे दीवा सड़ी ने दिलनो दीवो प्रगटावानु कवि जणावे छे, अने आ दीवाना तेजथी सफळतानी राह पर आगळ वधवानो संदेश कवि आपे छे। आत्मनो दीवो पेटावा तू वीण सर्व पराया, कवि आ उक्ति द्वारा शू कहवा मांगे छे, तो पोते पोताना दिलनो दीवो थईने ए दीवाना तेजथी आगळ वधवानुं छे एम कवि जणावे छे। उपरांत कवि ए पण जणावे छे के ऊंचीना तेजने छाया कायमी नथी, तेथी ते आपणने कामना नथी। जात मेहनत करीने ज सफळ थवाय, जात वगर अन्य बीजा सौ पराया छे। तो यहाँ एक ही जो बात है कि अपनी आत्मविश्वास से, अपनी आत्मशक्ति से आगे बढ़ना है, दूसरों के ऊपर आधार नहीं रखना है, उसी हिसाब से ज़्यादातर सभी आंसर के जवाब आएंगे, क्योंकि काव्य का जो भावार्थ है वो यही है। अब नीचे ना प्रश्न ना 6-7 वाक्य में जवाब आपो, तो 6-7 वाक्य में यानी लॉन्ग आंसर है, 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो मानस में रहेली असीम शक्यताओं ने काव्यना आधारे व्यक्त करो, यानी इंसान के अंदर जो असीम यानी हद से ज़्यादा जो शक्तियाँ रही है या कैपेबिलिटीज़ है, उसको ये काव्य के आधार पर व्यक्त करना है, बताना है। तो कवि मानस में रहेली शक्तियों ने सूर्य चंद्र अने तारानी शक्ति साथे सरकावे छे। कवि जो है वो इंसान के अंदर रही हुई शक्तियों को किसके साथ कंपेयर करते हैं, तो जैसे सूर्य चंद्र तारे इनकी रोशनी आसमान में है, इसी तरह हमारे अंदर की रोशनी भी हमारी मतलब जो राह है उसको रोशन कर सकती है, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। माणसना हृदय में आत्मविश्वास ने आत्मशक्ति भरपूर समायेला छे, जरूर छे मात्र एक चाणक रूपी दीवासड़ी ने। मतलब इंसान के अंदर आत्मविश्वास और आत्मशक्ति है ही, सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। जो माणस पोतानामांथी कंईक करवानी, कंईक बनवानी अथवा कंईक बनवानी दिलथी इच्छा करे, अगर कुछ बनने की या कुछ हासिल करने की अगर हम दिल से कोशिश करें, तो वो हमारी कोशिश ज़रूर हमें कामयाबी दिला सकती है। एटले कि दिलनो दीवो प्रगटावे तो आ दीवाना तेजथी ते चौक्कस मंजिल तरफ आगळ वधे छे। पारका तेज ऊंचीना लेवाथी कोई लाभ थतो नथी, कारण के एवा तेज कायमी नथी। ज्यारे आत्मविश्वास आत्मशक्ति रूपी दीवो प्रगटावाथी माणस जरूर रूपी आगळ वधी शके छे, कारण के पोताना छे ने कायमी छे। માણસ પોતાની ઈચ્છાશક્તિ અનુસાર કંઈક બનવાની ઈચ્છા કરે છે અને તે પછી તન મનને ધનથી મંડી પડે છે। મતલબ ઇન્સાન અપની ઈચ્છા કે મુતાબિક કુછ કરને કી જો તમન્ના હે મન મે રખતા હે ઓર ફિર વો તન મન ધન સે ઉસે હાસિલ કરને કી કોશિશ મે લગ જાતા હે તો વો ઉસે જરૂર હાસિલ હોતી હે તે ચોક્કસ તેને સફળતા મળે છે મતલબ જરૂર ઉસે હાસિલ હોતી હે। દૂસરા એક પ્રશ્ન દેખેંગે લોંગ, આત્માનો દીવો રૂપક પ્રયોજીને કવિ શો ઉપદેશ આપે છે, યાને આત્મા કે દિયે કે જરીએ કવિ ક્યાં સંદેશ દેના ચાહતે હે? તો માણસના જીવનમાં સફળતા નિષ્ફળતાનો આધાર પોતાના આત્મવિશ્વાસ પર રહેલો છે। હમે જિંદગીમાં જો ભી કામયાબી યા ના કામયાબી મિલતી હૈ તો હમારે આત્મવિશ્વાસ પર ટીકી હુઈ હૈ। કોઈ પણ કાર્ય જેની શરૂઆત પૂરા આત્મવિશ્વાસ સાથે થયેલ હોય, यानी कोई भी काम जिसकी शुरुआत हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ की हो ने पूरी आत्मशक्ति देनी पाछड़ जारे वपराय छे और पूरी ताकत हमारे अंदर की ताकत पूरी सब कोशिशें हमने उसके पीछे लगा दी हो, तो त्यारे ते कार्य निश्चित दे पामे छे। मतलब तब वो काम तय एकदम निश्चित यानी पक्के तरीके से वो मकसद हमें हासिल होता है, एटले के ते कार्य में सफलता जरूर थी मळे छे, ये काम में हमें सफलता जरूर मिलेगी, આ શક્ય બને છે પોતાના આત્મવિશ્વાસથી। યે કેસે મુમકિન હોતી હૈ તો અપને આત્મવિશ્વાસ સે જેને દર્શાવવા કવિ આત્માનો દીવો એવું રૂપક આપે છે। તો ઇન્સાન કે અંદર કા જો આત્મવિશ્વાસ હે, અપને ખુદ કે ઉપર કા જો વિશ્વાસ હે,
वो बताने के लिए यहीं यहाँ कवि आत्मा के दिए का रूपक यानी सिम्बॉल देते हैं। आम कविए पोताना अंदर रहेली शक्तियों ने ओळखवा तेमज तेनी शक्तियों ने प्रगटावा पर भार मुक्यो छे। दिलना दीवाना प्रकाश थी तेना तेज थी खरी दिशा में आगळ वधी शकाय छे ने इच्छित मंजिल ने पामी शकाय छे। सफलता मेळवाना मार्ग में जो कोई निष्फळता पण आवी पड़े अथवा आगळ वधवाना रस्ता पर अंधकार रूप कोई तकलीफ आवी पड़े तो आत्मविश्वास के आत्मशक्ति रूपी दीवो प्रगटावी आगळ वधवानुं कवि सूचन करे छे। मतलब अगर हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई मुश्किलें भी आएंगी, हो सकता है शुरुआत में हमें नाकामयाबी भी हासिल हो, लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है। हमारी कोशिश हमें बरकरार रखनी है, हमारा आत्मविश्वास हमें बरकरार रखना है और कोशिश करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो हमने तय किया है वो मकसद को हम हासिल कर सकते हैं। हम ग्रामर देखेंगे, व्याकरण विभाग, तो समानार्थी शब्द सबसे पहले जो समान अर्थ वाले हैं, दिल मतलब हयु हृदय मन, आभ तो यहाँ गगन यानी आसमान आकाश, चंद्र तो शशि जिसे हम चांद कहते हैं, तेज तो प्रकाश यानी रोशनी, सूरज तो मिहिर यानी जो सूर्य भानु भास्कर दिवाकर, कई समानार्थी शब्द सूरज के लिए है जो आपकी किताब में भी दिए गए हैं। दीवो यानी दीपक मतलब चिराग दिया। अब विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे यानी ऑपोजिट, तारा तुम्हारा तारू उसका ऑपोजिट है मारू, पारका तो पोताना मतलब पराए तो अपने, काचू तो पाकू, प्रगटावू तो ओलावू, प्रगटावू यानी रोशन करना अने ओलावू यानी बुझाना, आभ यानी आकाश उसका ऑपोजिट है धरती यानी जमीन। अब तड़पदा शब्द उसे शिष्ट रूप देखेंगे उसका, भाया यानी भाई, आत्म यानी आत्मा, वीण मतलब वीणा उसके बिना, परगटवू यानी प्रगटवू। तो ये शब्द तड़पदे शब्द थे जिनको हमने शिष्ट रूप देखा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सवाल जवाब, व्याकरण विभाग, एक वाक्य के दो तीन वाक्य वाले और 6-7 वाक्य वाले यानी 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स वाले सवाल जवाब की तैयारी भी हमारी हो गई है, व्याकरण विभाग भी हमने देख लिया है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा और आप अपनी नोट में भी लिख लोगे। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।